हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज आप देख रहे हैं, ये मैंने लौकी को ग्रेट करके रखा है। जी हाँ, आज हम लौकी से इसके कोफ्ते बनाएंगे और ये कोफ्ते मैं बिना तेल के बनाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी है। जिनको डॉक्टर ने मना किया है कि तेल घी नहीं खाना है, उनके लिए ये बहुत टेस्टी सब्जी होगी। सो व्यूअर्स, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, इसमें हम चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हींग जो हमारे डाइजेशन के लिए ठीक रहेगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब हम इसको बेसन डाल के बाइंड करेंगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या डाइट पे हैं, तब भी आप ये सब्जी खा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम इसमें बेसन डालेंगे, 2 बड़े चम्मच भर के बेसन डालेंगे और इसको हम कोफ्ते बना लेंगे हाथों से मैश करके। सो व्यूअर्स, मैंने कोफ्ते बनाकर इस तरह के इडली स्टैंड में रख लिए हैं और मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने रखा है। हम इन कोफ्तों को स्टीम करेंगे। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे, इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक अब हम इन्हें धीमी आंच पे स्टीम देंगे। सो व्यूअर्स, जब तक हमारे कोफ्ते स्टीम हो रहे हैं, हम तब तक अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये ग्रेवी के लिए मैंने ये लिए हैं 2 टमाटो और 1 अनियन और 4-5 गार्लिक की क्लोव हैं, ये जिंजर का पीस और ये हरी मिर्च। इन सबको हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। सो व्यूअर्स, 20 मिनट ओवर हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते भी बन के रेडी हो गए हैं। ये एकदम से ड्राई हो गए हैं और एकदम से क्लीन निकला है हमारा चाकू, तो ये अच्छे से बन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम गैस पर अपना एक पैन हीट करने के लिए रखेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और मैंने इनको जो टमाटर वेजिटेबल्स थी उनको पीस लिया है। सबसे पहले हम जीरा रोस्ट करेंगे और एक रेड चिली डालेंगे, ये भी रोस्ट हो जाएगी साथ में। जब ये क्रैकल होने लग जाएगा फिर हम हल्दी ऐड करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारा जीरा पॉप होना शुरू हो गया है। अब हमें इसको जलाना नहीं है, इसमें हम हल्दी डालेंगे इसके ऊपर ही, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। ये देगी मिर्च है, मैं इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और अपने ये हम प्यूरी डाल देंगे प्याज टमाटर की और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। सो व्यूअर्स, हमारी ग्रेवी भुनना शुरू हो गई है, इसको हमें धीमी आंच पे ही भुनना है जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें, जब हमारी ग्रेवी भुनना शुरू हो जाएगी, बॉईल होना शुरू हो जाएगी, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी सॉल्ट डाला है। इसको मिक्स करेंगे और बॉईल होने देंगे जब तक इसका ये सारा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। सो व्यूअर्स, इसका पानी सूख गया है, ये भुन गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये दही फेंट के डालेंगे, ये मैंने 2 चम्मच दही लिया है होममेड, और इसमें हम 1/2 चम्मच बेसन मिक्स करेंगे और इसको फेंट लेंगे अच्छे से। सो व्यूअर्स, अब हम इसमें ये फेंटा हुआ दही और बेसन का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। सो व्यूअर्स, ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा ग्रेवी का मिक्सचर बन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ये ज़्यादा थिक है थोड़ा पतला करने के लिए, और इसको हम चलाते हुए बॉईल आने देंगे। इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। सो व्यूअर्स, हमारी ग्रेवी में बॉईल आ गया है, ये देखिए पता भी नहीं लग रहा है कि ये बिना तेल के बनी है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। ये कोफ्ते ऐसे स्टीम भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सो व्यूअर्स, बॉईल आने के बाद हम इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ग्रेवी का थोड़ा सा जूस इसके अंदर चला जाए, कोफ्ते के अंदर। अब हम
इसको इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। हमारे कोफ्ते रेडी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। सो व्यूअर्स, मैंने इनको सर्व कर लिया है। सो व्यूअर्स, ये बिना तेल के कोफ्ते खाइए और हेल्दी रहिए। प्लीज़ फॉलो माई रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।